तो भाई क्लियर हो रहा है सबकी तरफ से, बाय ऑन डिप से अब हम सेल ऑन रैलीज की तरफ बढ़ रहे हैं, रिकवरी में बिकवाली करने के मौके, डेटा कमजोर है, ये वीरू की कमेंट्री में बहुत क्लियरली विजिबल था। असित के लिहाज से बैंक निफ्टी के लिए 37,500 के स्तर बड़े इंपॉर्टेंट, 37,500 के लेवल्स कल भी अपने इंट्राडे में डिफेंड कर रहे थे, उसके नीचे स्लिप हुए तो बैंक निफ्टी उनके लिए बियरिश कैटेगरी में चला जाएगा। रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2600 के लेवल्स, उसके नीचे जा रहा है तो शायद वीकनेस ग्रिप कर सकती है। और सन टीवी जो कल जाते जाते बहुत बढ़िया तेजी दे रहा था, दिन के हाईस में बंद हुआ था, उसमें है असित का खरीदारी करने का मन। पालविया साहब गुड मॉर्निंग, पालविया साहब क्या ट्रेड है सुबह का? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आशीष जी देखिए, गैप डाउन तो हम होंगे लेकिन अब वो गैप में शॉर्ट तो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, पुल बैक के बाद ही हम वापस वहाँ पे इनिशिएट करेंगे अगर कोई शॉर्ट का ट्रेड भी करना है। लेकिन अभी जो हमें स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो बाय साइड का है, और उसमें हमें कैश सेगमेंट में सेंचुरी टेक्सटाइल पे हम बाय करने की सलाह देंगे। कल की क्लोज हालांकि 938 के आसपास इसके प्राइस थे कल की क्लोज के, गैप डाउन अगर ओपन होता है, अगर ये 930 928 की रेंज में अवेलेबल होता है अगर ओपनिंग के बाद, तो यहाँ पे हमारी बाय करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से इसके सेटअप बने हैं अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखें तो स्टॉक में एक बुलिशनेस बनते हुए दिख रही है, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट लास्ट वीक में इसमें विद वॉल्यूम एक्शन होते हुए दिखा है, तो ये एक दिखाता है कि स्टॉक में एक नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट हुए। हमें लगता है कि मार्केट जैसे ही लोअर साइड पे ओपन होने के बाद अगर थोड़ा भी पुलबैक का ट्रेड बनता है वहां से, तो सेंचुरी टेक्सटाइल में एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 930 के आसपास हम बाय करने की सलाह देंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 915 का, और अपसाइड में हमें लगता है इसके सेटअप के हिसाब से इसके टारगेट आना चाहिए करीब 970 से 980 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें एक से दो ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल गैप डाउन अगर ओपन होता है 930 के आसपास तो बाय करने की सलाह रहेगी।